आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में संगठन स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। सक्रिय कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। गत दिनों जयस आदिवासी युवा शक्ति संगठन जयस की भोपाल में आयोजित प्रदेश स्तरीय बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। जयस के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा की अध्यक्षता में 1 अगस्त को भोपाल में आयोजित चुनाव संचालन समिति की बैठक में चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों से 1-to-1 चर्चा की गई। इसके अलावा खरगोन जिले के जयस जिला संरक्षक राजेंद्र सिंह पवार को आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 की प्रदेश स्तरीय चुनाव संचालन समिति का संयोजक बनाया गया। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। अलावा जी की अध्यक्षता में जो मीटिंग की गई उसमें कई निर्णय लिए गए। जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन मध्य प्रदेश चुनाव संचालन समिति की बैठक भोपाल में राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर आदरणीय हीरालाल अलावा जी के निवास पर 1 अगस्त रात्रि को आयोजित की गई थी। उस बैठक में मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में जयस के समर्थन से मध्य प्रदेश की 47 आदिवासी विधानसभा सीटों सहित आदिवासी बाहुल्य 35 सीटों के साथ 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर चर्चा की गई। वहां पर समिति सदस्यों के द्वारा चुनाव के लिए उपस्थित प्रत्याशियों से 1-to-1 चर्चा कर बायोडाटा लिए गए और आगामी 12 अगस्त को पुनः विधायक निवास भोपाल में जयस की प्रदेश स्तरीय कमेटी की बैठक आहूत की गई है, जिसमें चुनाव में भागीदार करने वाले साथियों से बायोडाटा का अंतिम अवसर दिया जाकर पैनल तैयार की जाएगी। आने वाली 17 तारीख से प्रदेश चुनाव संचालन समिति प्रत्येक जिलेवार दौरा कर चुनाव की रणनीति एवं मार्गदर्शन का कार्य करेगी। जयस मध्य प्रदेश विधानसभा में अपने समर्थन से शिक्षित और संघर्षशील युवाओं को भेजने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आपका नाम और पता? राजेंद्र सिंह पवार, प्रदेश चुनाव संचालन समिति संयोजक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।